नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा सातवीं के भूगोल में पाठ तीन ज्वार भाटा इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी प्रश्न उत्तर याद कर सकते। ये है पाठ तीन ज्वार भाटा, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न एक में क्या दिया गया है, जोड़िया मिलाकर के श्रृंखला बनाओ। यहाँ पे समूह अ दिया गया, समूह ब दिया गया, समूह क दिया गया, इसका जोड़िया मिलाना है। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, पहले में लहरें, हवा, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण भी निर्माण होती है। दूसरे में आएगा अपकेंद्री बल, पृथ्वी का परिभ्रमण, वस्तु बाहर की दिशा में फेंकी जाती है। तीसरे में आएगा गुरुत्वीय बल, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पृथ्वी के मध्य दिशा में कार्य करता है। चौथा आएगा बृहद ज्वार, अमावस्या उस दिन सबसे बड़ा ज्वार आता है। पांचवा है लघु ज्वार, अष्टमी, चंद्रमा और सूर्य के बल अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भौगोलिक कारण बताओ। उसमें से पहला है ज्वार भाटा पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है। और दूसरा है इसके कारण ज्वार भाटा के विषय में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावकारी है, इसलिए ज्वार भाटा पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कुछ स्थानों पर किनारे का निकटवर्ती निचला प्रदेश दलदल का बनता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, कुछ स्थानों पर किनारे के निकटवर्ती निचले प्रदेश में ज्वार के कारण पानी आ जाता है। दूसरा, इसके कारण निचले प्रदेश में कुछ मात्रा में समुद्र के पानी और बालू का संचयन होता जाता है। तीसरा, ऐसे प्रदेश में गरान के वन तीव्र गति से पनपते हैं। और चौथा है, ऐसे भाग में तटीय भाग की जैव विविधता का विकास और संरक्षण होता है। इन कारणों से कुछ स्थानों पर किनारे का निकटवर्ती निचला प्रदेश दलदल बन जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भाटा के स्थान के विरुद्ध देशांतर पर भी भाटा ही आता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, जब किसी देशांतर रेखा पर स्थित कोई विशिष्ट स्थान चंद्रमा के सामने आता है तब उस स्थान पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वहां का जल चंद्रमा की दिशा में ऊपर की ओर उठता है और वहां ज्वार आता है। इसी समय इस देशांतर के विपरीत देशांतर पर भी ज्वार आता है। दूसरा, ज्वार वाले इस विशिष्ट स्थान के देशांतर के साथ समकोण बनाने वाले दो विपरीत देशांतरों के स्थानों का पानी खींचकर ज्वार वाले स्थानों पर आता है और वहां का जल स्तर नीचे आ जाता है, इसे भाटा कहते हैं। इन कारणों से स्पष्ट होता है कि भाटा के स्थान के विरुद्ध देशांतर पर भी भाटा ही आता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न तीन में क्या दिया गया, संक्षेप में उत्तर लिखो। उसमें से पहला है, यदि सुबह 7 बजे ज्वार आया तो उस दिन अगले ज्वार भाटा के समय क्या क्या होंगे यह बताओ। इसके उत्तर में आएगा, यदि सुबह 7 बजे ज्वार आए तो उस दिन उससे अगले भाटे का समय सामान्यतः दोपहर 1:12 और अगले ज्वार का समय साय 7:25 होगा। अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया, जब मुंबई या 73° पूर्व देशांतर में गुरुवार दोपहर 1 बजे ज्वार आने वाला है तो उस समय दूसरे किस देशांतर पर ज्वार आने वाला होगा, यह कारण सहित बताओ। इसके उत्तर में आएगा, यदि मुंबई 73° पूर्व देशांतर में गुरुवार दोपहर 1 बजे ज्वार आने वाला हो तो उस समय 107° पश्चिम देशांतर पर ज्वार आएगा। इसका क्या कारण है, पहला कारण है पृथ्वी के जिस स्थान पर ज्वार और भाटा आता है उसके विपरीत स्थान पर भी उसी समय क्रमशः ज्वार और भाटा आता है। और दूसरा, 73° पूर्व देशांतर का विपरीत देशांतर 107° पश्चिम देशांतर है। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, लहरों के निर्माण होने के कारण बताओ। इसके उत्तर में आएगा पहला, लहरों के निर्माण का प्रमुख कारण हवा है। और दूसरा, कभी कभी सागर तल में भूकंप आने अथवा ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भी लहरों का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न कार्यों का ज्वार भाटा से किस प्रकार का संबंध होगा वह लिखो। उसमें से पहला है तैरना। इसके उत्तर में आएगा, ज्वार भाटा के समय की जानकारी प्राप्त करके तैरने के लिए जाना उचित होता है। ज्वार भाटा के समय में
समुद्र में बहुत अंदर तक जाकर तैरना खतरनाक होता है। सामान्य रूप से ज्वार के समय समुद्र तट के निकट के भाग में तैरना उचित होता है। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, जहाज चलाना, इसका क्या संबंध है? इसके उत्तर में आएगा, ज्वार के समय जहाज को समुद्र तट या बंदरगाह से अंदर की ओर जल में ले जाना और जल में से समुद्र तट या बंदरगाह पर ले आना अधिक आसान होता है, इसलिए ज्वार के समय का अध्ययन करके जहाज चलाया जाता है। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, मछली पकड़ना, इसके उत्तर में आएगा, ज्वार के पानी के साथ बड़ी मात्रा में मछलियां समुद्र के तटीय भाग तथा खाड़ी में आती हैं, यही कारण है कि ज्वार के समय में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, नमक निर्माण, इसके उत्तर में आएगा, ज्वार के समय बड़ी मात्रा में समुद्र का पानी तटवर्ती भाग में आता है, इस पानी को नमक सार में संचित करके उससे नमक बनाया जाता है। अब अगला करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया, सागर किनारे सैर करने जाना, इसके उत्तर में आएगा, ज्वार भाटा के समय की जानकारी प्राप्त करके सागर के किनारे सैर करने जाना उचित होता है, ज्वार के समय सावधानी पूर्वक सागरीय क्रीड़ा का आनंद लिया जा सकता है। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न पांच में क्या दिया गया, लघु ज्वार भाटा की आकृति 3.8 का निरीक्षण करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो सबसे पहले हम लोग 3.8 का चित्र देख लेते हैं, ये 3.8 का चित्र। अब इसके प्रश्न एक में क्या दिया गया है, आकृति किस तिथि की है, तो इसके उत्तर में आएगा, यह आकृति अष्टमी तिथि की है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति कैसी है, इसके उत्तर में आएगा, आकृति में सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के सापेक्ष चंद्रमा समकोण पर है। और तीसरे में क्या दिया गया, इस स्थिति का ज्वार भाटा पर क्या परिणाम होगा, इसके उत्तर में आएगा, इस स्थिति के कारण औसत से छोटा ज्वार भाटा आएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न छह में क्या दिया गया, अंतर स्पष्ट करो, उसमें से पहला प्रश्न है ज्वार और भाटा। ज्वार में पहला क्या आएगा, सागर जल के स्तर में होने वाली वृद्धि को ज्वार कहते हैं, और भाटा में क्या आएगा, पहला समुद्र जल के स्तर में होने वाली कमी को भाटा कहते हैं। ज्वार में दूसरा, ज्वार के समुद्र का पानी किनारे के बहुत निकट आता है, और भाटा में दूसरा आएगा, भाटा के समय समुद्र का पानी किनारे से दूर अंदर की ओर जाता है। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, लहर और सुनामी लहर, इसके उत्तर में आएगा, लहर में पहला, हवा द्वारा मिलने वाली शक्ति से समुद्र का पानी गतिमान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लहरों का निर्माण होता है, और सुनामी लहर में पहला आएगा, सागर के तल में आने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के उद्गार के कारण सुनामी लहरों का निर्माण होता है। लहर में दूसरा आएगा, लहरें विनाशकारी नहीं होती हैं, और सुनामी लहर में दूसरा आएगा, सुनामी लहरें विनाशकारी होती हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न सात में क्या दिया गया, ज्वार भाटा के अच्छे और बुरे परिणाम कौन से हैं, यह लिखो। इसके उत्तर में आएगा, ज्वार भाटा के अच्छे और बुरे परिणाम नीचे दिए अनुसार है, उसमें से पहला है अच्छे परिणाम। अच्छे परिणाम में पहला क्या आएगा, ज्वार के पानी के साथ मछलियां खाड़ी में आती हैं, इसका लाभ मछली पकड़ने में होता है। दूसरा, ज्वार भाटा के कारण जल में मिश्रित कूड़े कचरा का निपटारा होता है और समुद्री तट स्वच्छ रहता है। तीसरा, ज्वार भाटा के कारण बंदरगाह मिट्टी से नहीं पटता। चौथा, ज्वार के समय जहाजों को बंदरगाह में लाया जा सकता है। पांचवा, ज्वार का पानी नमक सार में इकट्ठा करके उससे नमक बनाया जाता है। छठवा, ज्वार भाटा की प्रक्रिया से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। सातवा, ज्वार भाटा के कारण गरान के वनों, तटीय क्षेत्र में पनपने वाली जैव विविधता आदि का विकास और संरक्षण होता है। और बुरे परिणाम में क्या आएगा, यदि ज्वार भाटा के आने के समय का अनुमान न हो तो समुद्र में तैरने गए व्यक्तियों के साथ दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कम्प्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।